हाय गाइस, बहुत से लोगों को चिया और सब्ज़ा एक से लगते हैं, जबकि ये दोनों अलग हैं। इसलिए आज के वीडियो में चिया और बेसिल का डिफरेंस और इनसे वज़न कैसे कम होता है ये बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं ये जान के कि ये दिखते कैसे हैं। मेरे पास दोनों के पैक हैं और आप देख सकते हैं, सब्ज़ा बूंद या टीयर शेप्ड के और काले होते हैं और चिया ओवल और भूरे, सफ़ेद, काले और ग्रे कलर के हैं। आप जानते हैं इन्हें खाते कैसे हैं। सब्ज़ा को भिगाना ज़रूरी है या इनका पाउडर भी बना सकते हैं, जबकि चिया ऐसे ही भिगा के या पाउडर फॉर्म में खा सकते हैं। अब इनके फ़ायदे जान लेते हैं। चिया में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, कैल्शियम और प्रोटीन है, जबकि सब्ज़ा में प्रोटीन और बहुत सारा आयरन होता है। सब्ज़ा हार्ट की आर्टरीज को साफ रखता है और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। ये डाइजेशन ठीक रखता है और बॉडी हीट भी कम करता है। चिया ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स नॉर्मल रखता है। इन्हें दिन में कितना खाना चाहिए? 20 से 25 ग्राम चिया या सब्ज़ा खा सकते हैं। आप जानते हैं ये वज़न कैसे कम करते हैं? ये जानना ज़रूरी है कि ये दोनों अपने आप वज़न कम नहीं करते। अगर आप एक डाइट फॉलो करें तो वज़न जल्दी कम होगा इनकी वजह से। एक अच्छी हेल्दी डाइट खाएँ तो ही फ़ायदा ज़्यादा होगा। चिया सीड्स काफ़ी सारा पानी अब्जॉर्ब करते हैं और फूल जाते हैं। इससे हमारा पेट काफ़ी टाइम तक भरा रहता है और मीठे की क्रेविंग्स नहीं होती। सब्ज़ा में बहुत सारा अल्फा-लिनोलेनिक एसिड होता है, ये तेज़ी से चर्बी जलाता है जिससे वज़न कम होने लगता है। इनका टेस्ट कैसा है? चिया का टेस्ट तेल के जैसा है, जो अलसी के टेस्ट से मिलता जुलता है, और सब्ज़ा का कोई टेस्ट नहीं है। इन्हें कैसे खाना चाहिए? चिया और सब्ज़ा के ओमेगा 3 एसिड्स और बाकी के फ़ायदे लेने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें पीस के या भिगा कर खाएँ। चिया को भिगाने के लिए 1:10 रेशो में चिया और पानी लें और 30 मिनट से 2 घंटे भीगने दें। सब्ज़ा और पानी का रेशो 1:5 का रखें और 30 मिनट भीगने दें। अगर पीस रहे हैं तो इन्हें फ्रिज या फ्रीज़र में एयरटाइट डब्बे में रखें। भीगने पर बेसिल सीड्स चिया सीड से ज़्यादा फूल जाते हैं और वो भी चिया से कम टाइम में। इनको कैसे ख़रीदना चाहिए? ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री होल सीड्स लें पाउडर की बजाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक यूज़ कर सकते हैं ख़रीदने के लिए। इस वीडियो को आप इंग्लिश में मेरे पहले चैनल वर्सटाइल विकी में देख सकते हैं। चिया का मतलब होता है ताकत और बेसिल का मतलब है शाही। सब्ज़ा जाना जाता है अपने ठंडक की वजह से और चिया एक एनर्जी बूस्टर है। सब्ज़ा को अंडररेट किया जाता है, जबकि ये भी चिया के जैसे ही फ़ायदेमंद है। बेसिल में 42% कार्ब्स, 25% हेल्दी फैट्स और 20% प्रोटीन होते हैं, जबकि चिया में 30% कार्ब्स, 34% फैट्स और 24% प्रोटीन है। तो मेरे हिसाब से चिया में बेहतर वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ हैं सब्ज़ा के कंपैरिजन में। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप चिया और सब्ज़ा के बारे में और दोनों किस तरह से अलग हैं और साथ ही इनके वज़न कम करने के फ़ायदे जान पाए हों। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि आप ही की तरह कुछ और लोग इसके बारे में जान पाएं। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप दोबारा मुझसे मिलें और कुछ नया जानें। तब तक ये दोनों सुपर सीड्स अपने डाइट में इंक्लूड करें और शाही ताकत पाएं। बाय बाय।